नमस्कार. आज दीक्षांत सभागृह में यहाँ आप सबको देख के बहुत खुशी हो रही है और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय कुलगुरु डॉक्टर सिद्धार्थ विनायक काणे जी, आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय डॉक्टर एस वाई कुरैशी जो कि भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार दिल्ली से हैं, और विश्वविद्यालय के प्र कुलगुरु माननीय प्रमोद एवले जी, उसी प्रकार कुल सचिव श्री पूरण चंद्र मेश्राम जी, और यहाँ विशेष रूप से उपस्थित मौलाना अब्दुल करीम पारेख जी के बेटे श्री अब्दुल मजीद पारेख जो यहाँ मंच पर हमारे बीच उपस्थित हैं, और मेरे सम्मुख सभागार में उपस्थित सभी प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर गण, आप सबका मौलाना अब्दुल करीम पारेख स्मृति व्याख्यान माला की आज की इस कड़ी में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. इस कार्यक्रम की शुरुआत हम विद्यापीठ गीत से करने जा रहे हैं. आपसे नम्र निवेदन है कि इस विद्यापीठ गीत हेतु अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएं. हमारी भारतीय संस्कृति में दीप को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और हर शुभ मौके पर हम दीप को प्रज्वलित करके एक तरह से उसी ज्ञान के आलोक को सब तरफ फैलाना चाहते हैं. मैं मंचस्थ सभी विद्वजनों से अनुरोध करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें. हम स्वागत का सिलसिला शुरू करते हैं. सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के अध्यक्ष विद्यापीठ के कुलगुरु माननीय डॉक्टर सिद्धार्थ विनायक काणे जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय श्री पूरण चंद्र मेश्राम जी को कि वे आए और सबका स्वागत करें.
आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर एस वाई कुरैशी जी का स्वागत करने के लिए मैं पुनः अनुरोध करती हूँ मेश्राम सर से कि वे उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। स्वागत की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि हमारे प्र कुलगुरु माननीय डॉक्टर प्रमोद एवले का स्वागत पुनः मेश्राम सर करें। आज की इस व्याख्यान माला के कर्णधार और हर वर्ष उसे चलाने हेतु डोनेशन प्रदान करने वाले मौलाना जी के छोटे सुपुत्र श्री अब्दुल मजीद पारेख जी हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। वैसे तो उनके बड़े बेटे भी यहाँ पे मौजूद हैं, गफूर पारेख जी, लेकिन जो मंचस्थ है मैं उनकी बात कर रही हूँ और उनका स्वागत करने के लिए मैं कुल सचिव श्री पूरण मेश्राम जी से अनुरोध करती हूँ कि वे पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। विद्यापीठ के कुल सचिव आदरणीय श्री पूरणचिन मेश्राम का स्वागत करने के लिए मैं उप कुल सचिव श्री प्रदीप बिनीवाले से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे पुष्प गुच्छ देकर सर का स्वागत करें। आप सभी जानते हैं कि मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने इबादत और शोहरत की बुलंदियों को छुआ, लेकिन फिर भी उनमें कभी भी वो गुमान नहीं आया, वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे। और साथ ही उन्होंने जो मौलाना की पदवी उन्हें मिली या मौलाना के नाम से वो जाने गए, इसका उन्होंने पूरा पूरा लोगों को लाभ पहुंचाने की अपने जीवन में कोशिश की। आज की यह व्याख्यान माला उन्हीं की स्मृति में आयोजित की गई है। उनका जन्म वैसे तो एक अत्यंत साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वे मूलतः कच्छ के रहने वाले थे, बाद में वे अकोला आए और अकोला से फिर में नागपुर में आकर बस गए। इस साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में एक ऐसे चिराग ने जन्म लिया जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ये बात हमें कहना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उनके जो कार्य हैं वो हमें इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने इतने नेक कामों को अंजाम दिया है कि आज भी इतनी बड़ी तादाद में उन्हें सुनने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनका सबसे बड़ा काम जो था वो था अल्लाह की किताब कुरान का सरल उर्दू में अनुवाद। आप सभी जानते हैं कि कुरान अरबी में लिखी हुई किताब है, पाक किताब है, लेकिन साधारण जन उसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि अरबी के जानकार बहुत कम हैं। इसलिए एक आम आदमी तक कुरान पहुंच पाए इसके लिए उन्होंने ये भरसक प्रयास किया और उसको सरल हिंदी में, सरल उर्दू में उसका अनुवाद करते हुए उसे आम जन तक पहुंचा दिया। और आगे चलकर हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में भी उसका अनुवाद किया। मौलाना जी के बारे में एक बात कहते हुए बड़ा फक्र होता है, वो ये कि वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं गए, कभी किसी बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने कभी कोई होड़ नहीं की, लेकिन बावजूद इसके उनकी विद्वत्ता का हर कोई कायल है। हर कोई जानता है कि उनमें कितनी गहरी सूझबूझ थी, उनमें कितनी दूरदृष्टि थी, और शायद आज इसी वजह से वो लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, जाने जाते हैं। उनकी शख्सियत और उनकी धारा प्रवाह बोलने की शैली कुछ ऐसी थी कि लोग उन्हें सुनते रहना पसंद करते थे। वे जब भी खड़े होकर बोलते किसी विषय पर तो लोग सोचते कि वे लगातार बोलते जाएं और हम उसे सुनते जाएं। ऐसी उनकी बड़ी ही अद्भुत उनकी शख्सियत थी। मौलाना अबुल हसन नदवी ने जो पयामे इंसानियत के नाम से एक मिशन शुरू किया था, उस पैगाम को आगे लाने में और लोगों तक पहुंचाने में मौलाना जी का बहुत बड़ा उनकी भूमिका रही है, बहुत बड़ा उनका अहम रोल रहा है, ये बात आप सभी जानते हैं। उसी तरह उन्होंने सही मायने में अगर कहा जाए तो वे शांति, सद्भावना
और मानवता के पुजारी थे। अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने मानवता के लिए कार्य किया। जीवन में कभी वे पीछे नहीं हटे और हर काम को बखूबी उन्होंने अंजाम दिया। उनकी एक खासियत यह भी थी कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जब अलग अलग मजहब के लोगों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई, तब उन्होंने उसे शांत करने की, रोकने की कोशिश की और उनके ये प्रयास हमेशा कामयाब भी हुए। मैं आपको नागपुर की ही एक घटना का यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगी कि नागपुर शहर में ही एक ऐसी घटना हुई थी जब ख्वाजा अहमद अब्बास की एक रचना, जिसमें एक सरदारनी का जो कैरेक्टर है, जो पात्र उसमें आई है, उसका जिक्र आया है और उसको पढ़कर सरदार समुदाय में एक बहुत बड़ा तहलका मच गया और ऐसा लगने लगा कि पता नहीं दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो उस समय मौलाना जी आगे आए और उन्होंने उस समुदाय विशेष के लोगों को समझाया, उन्हें शांत किया। ये बात तब की है जब हमारे विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य श्री अटल बहादुर सिंह थे। उन्होंने उनकी उदारतावादी दृष्टि को सराहा और उन्हें आगे चलकर विद्यापीठ के विविध हलकों से, अलग अलग विभागों से जोड़ने की कोशिश भी की। उनकी सोच केवल इस्लामी मजहब तक सीमित नहीं थी, उनका जो मजहब था वो तो मानवतावादी था। वे हर धर्म में विश्वास रखते थे, हर धर्म को सम्मान की नजरों से देखते थे और शायद यही वजह है कि वे अपने जीवन में शंकराचार्य जी से भी मिले और जैन मुनियों से भी उन्होंने मुलाकात की। अपनी इसी उदार और समानतावादी दृष्टि ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उनके जीवन का एक ही मकसद था और वह था अल्लाह के पैगाम को हर एक व्यक्ति, हर एक मजहब वाला भली भांति समझे, जान सके। और इसके लिए उन्होंने बराबर कोशिश की और लोगों को एक साथ लाने के लिए भरपूर प्रयास भी किए। उनके जीवन का एक कार्य अगर मैं ना कहूं तो शायद बात अधूरी रह जाएगी और वो है लड़कियों के तालीम के संबंध में, कि लड़कियों को तालीम दी जाए, वे पढ़ लिख कर आगे आए और उनके साथ जो जुल्म होते हैं उसके खिलाफ भी उन्होंने समय समय पर आवाज उठाई। तो ऐसे दिग्गज, ऐसे महान मौलाना जी के बारे में जितना कहा जाए मुझे लगता है कम है, लेकिन अगर मैं बोलती चली जाऊंगी तो मुझे लगता है कि यहाँ आज हम जिन्हें सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं उन्हें हम जरूर सुनना चाहते हैं, इसीलिए मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में यहाँ रख रही हूँ। अगर कुछ मुद्दे या कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट जाती हैं तो मुझे लगता है कि ये लोग उसे पूरा कर देंगे। एक और बात कि अपने इन्हीं कर्तव्य परायणता या अपने इन्हीं महान कार्यों के चलते वे भारत के सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण और प्राइड ऑफ इंडिया से नवाजे गए। यहाँ तक कि 2007 में उन्हें हमारे ही विश्वविद्यालय अर्थात राष्ट्रसंत तुकड़ोजी नागपुर विश्वविद्यालय के जीवन साधना पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो ऐसे श्री मौलाना पारेख साहब की स्मृति में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच प्रमुख वक्ता भी बैठे हुए हैं जिन्हें हम सुनना चाहेंगे। लेकिन उसके पूर्व मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूंगी कि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष जब इस व्याख्यानमाला का यहाँ पर आयोजन हुआ था उस समय मुख्य वक्ता के रूप में हमारे यहाँ कौन आया था? जी हाँ, तो जीवन में हर कोई आता है और अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चला भी जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक अमिट छाप छोड़कर जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टॉम ऑल्टर की, जो फिल्मी दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती रहे और तो और उन्हें नीली आंखों वाला साहब भी कहा गया है क्योंकि उनकी आंखें नीली थी। दूसरी बात उनके बारे में ये भी कही जा सकती है कि वो एक अमेरिकन क्रिश्चियन परिवार में भले ही पैदा हुए हों, लेकिन भारतीय मिट्टी में वे पूरी तरह से रच बस गए थे और अपनी जादुई अदाकारी से उन्होंने हर दिल को जीत लिया था। अभी पिछले ही दिनों 29 सितंबर को उनका दुखद निधन हुआ। मैं चाहती हूँ
कि आज के इस अवसर पर हम उन्हें एक मिनट खड़े होके मौन रहके श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की, गर्व की बात है कि मौलाना जी के छोटे बेटे आदरणीय अब्दुल मजीद पारेख साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे दरखास्त करती हूँ कि वे यहाँ आकर अपने विचार रखें। साथ ही आज के जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय डॉक्टर एस वाई कुरैशी जी का भी परिचय दें। आदरणीय अब्दुल मजीद पारेख साहब। Honorable Chief Guest of the function, Mr. S. Y. Qureshi, former Chief Election Commissioner of India. Honorable President of the program, Mr. Siddharth Vinayak Kane, the Vice Chancellor of RTM Nagpur University. Honorable Mr. Pramod Yeoleji, Pro Vice Chancellor of the University. Honorable Dr. Puran Chand Meshramji, Registrar of the University. All the dignitaries on the dais and all the dignitaries of the dais. संसार के एक अकेले मालिक के नाम से अपनी बात को शुरू करता हूँ, जिसके कब्जे में हम सब की जान है। उसी मालिक के सामने अपने सर को झुकाते हुए मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सब लोगों को ग्रीट करता हूँ और आज की इस मुबारक महफिल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। त्योहारों का मौसम चल रहा है हमारे देश में। जो त्योहार हो चुके हैं उन पर और जो आने वाले हैं उन पर भी एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूं। आज का दिन मेरे भाइयों और बहनों मेरे लिए ऐतिहासिक दिन है, इसलिए कि जो जन समूह मैं आज के प्रोग्राम में देख रहा हूं, मुझे आप लोगों के चेहरों की रौनक को देखते हुए महसूस हो रहा है कि इस विशाल सभा में जो विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ है उसको किसी स्वार्थ या लालच या कोई व्यक्तिगत लाभ की भावना ने नहीं जमा किया, बल्कि आज के इस जलसे में मुझे मानवता के भविष्य के लिए एक आशा की किरण नजर आ रही है कि आज के इस दौर में भी हमारे भारत के समाज के लिए फिक्र और चिंता करने के लिए भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। मैं आप लोगों के इस प्रेम और मोहब्बत का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे भाइयों, हम सब इंसान हैं और इस दुनिया में मुझे इंसान ही ऐसा प्राणी नजर आता है जिसको इंसानियत के सबक दोहराने पड़ते हैं, इसलिए कि धरती पर जब जब इंसानी कदर कीमत और ह्यूमन वैल्यूज की बेअदबी होती है वो इंसान ही की वजह से होती है। जबकि सारे संसार की रचना करने वाला एक अकेला मालिक अपनी किसी भी क्रिएशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई भेदभाव नहीं करता। ये भेदभाव के पैमाने हैं ये हमने बना लिए हैं और ये भेदभाव के पैमाने हमने इस हद तक के बना लिए कि हमारे मालिक के नाम का भी हमने बंटवारा कर डाला। जबकि संसार के मालिक की किताब की कहती है कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, अकाल कहो, परमेश्वर कहो, गॉड ऑलमाइटी कहो या मालिक कहो, सारे बेहतरीन नाम उसके हैं। और वजरुल लजीन युलहिदून फी अस्माही, और उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो जो मालिक के नामों में डिस्प्यूट्स और झगड़े खड़े करते हैं। मालिक का नाम लेना कोई झगड़े झंझट की बात नहीं। पद्म भूषण मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब, जिनकी याद में आज का प्रोग्राम हो रहा है, वो अक्सर अपने भाषणों में कहा करते थे कि सबसे पहले ये तय किया जाए कि हमारा मालिक कौन है। क्या वो मुसलमानों का ही रब है या वो हिंदुओं का ही रब है
क्या वो कम्युनल और सांप्रदायिक है कि किसी भी एक ही कम्युनिटी का फेवर करता है? नहीं, अगर ऐसा होता तो हर मोहल्ला हर शहर में सांप्रदायिक तौर पर अलग अलग तरीके की हवाएं भेज देता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो हर एक पर समान रूप से अपनी नेमतें छावर करता है। उसकी नजर में हर इंसान बराबर है, जिसने अपने आखिरी संदेश में कहा या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए इंसानों हमने तुम्हें एक मेल और एक फीमेल के जोड़े से पैदा किया, और वजअलनाकुम शुउबन व कबाइल लितआरफू, और तुम्हारे कुंबे कबीले बरादरी ट्राइब्स एंड क्लैंस बनाए ताकि तुम्हारी पहचान बने, तुम्हारी आइडेंटिटी बने। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारी दुनियावी पहचान के लिए है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारे ग्रेड्स, तुम्हारे स्टेटस और दर्जे हिसाब वाले कयामत के दिन इस बुनियाद पर होंगे कि तुम अपने मालिक से डरते हुए, उसका लिहाज करते हुए अपने जीवन में अपने मन पर कितना काबू किया था। याद रखना, उस मालिक को तुम्हारी हर हरकत की खबर है। ही इज अनसीजिंगली वॉचफुल ओवर यू। जब मैंने अपनी क्रिएशन में कोई भेदभाव नहीं किया तो इंसान तू कौन होता है कि मेरी क्रिएशन में डिस्क्रिमिनेशन करे? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर संसार के मालिक ने अपना आखिरी संदेश उतारा, उनका कहना है कुल्लुकुम बनू आदम व आदम खुलक मिन तुराब, यानी तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया। जात पात रंग नस्ल सिर्फ हमारी इंसानी पहचान के लिए है। इस धरती पर जब जब हमारे परम पिता आदम का रिश्ता हम भूलेंगे, ये धरती इंसान के खून से लाल होगी। एक इंसान की कीमत क्या है, इसे पहचानना भी बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर इस नागपुर शहर में खुदा ना करे अगर कोई न्यूक्लियर बम गिर जाए और सारे के सारे इंसान मर जाएं और सिर्फ एक ही इंसान जीवित बचे, क्या नागपुर के ऊपर से सूरज गुजरना बंद हो जाएगा या हवाएं चलनी बंद हो जाएगी? इस मिसाल से हम समझे कि एक अकेले इंसान की वैल्यू क्या है, जिसको कुरान ने कहा हुवल्लज़ी खलकलकुम मा फिल अर्ज़ जमीया, संसार के एक अकेले पालनहार ने इस धरती की हर हर चीज इंसान के लिए बनाई है। संसार के मालिक ने अपनी क्रिएशन को अनोखा बनाया है। ये उसकी कुदरत के बेशुमार करिश्मों में से एक करिश्मा, जिसके ताल्लुक से पवित्र कुरान ने कहा और खूब कहा वकद खलकतुम अतवारा, हमने तुम्हें बिल्कुल अनोखा और विभिन्न विद वेरियस वंडरफुल क्वालिटीज के साथ बनाया है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, उस मालिक ने एक सूरत बना दी सो बना दी, अब कयामत तक उसकी कोई नकल नहीं की जाएगी। और इतना नहीं ही नहीं, बला कादरीन आला नुसव्विय बनाना, हर इंसान की फिंगरप्रिंट्स भी अलग अलग बनाई कि इंसान का टेस्ट और उसकी परीक्षा ली जाए कि वो विभिन्नता में एकता को कायम करता है या नहीं। वमिन आयाति ही खल्कुस समावाति वल अर्द, उस मालिक की कुदरतों को पहचानने के लिए जमीन आसमान में निशानियां ही निशानियां मौजूद हैं। वख्तिलाफो अलसनतुकुम वालवानकुम इन फी ज़ालिका लआयातिल लिल आलमीन, कौवा चाहे भारत का हो या चाइना जापान का हो, वो काय काय ही करेगा। ये इंसान ही है जो अलग अलग भाषाएं बोलता है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम भाषाओं पर भी लड़ते हैं और सियासतें खेलते हैं। ये जो इंसानों के अलग अलग रंग, अलग अलग नस्ल और अलग अलग जबानें और लैंग्वेजेस हैं, ये लड़ाई झगड़े की बात नहीं और डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं, बल्कि अपने मालिक को पहचानने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, मेरी आपसे एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को कोई रिलीजियस प्रीचिंग या कोई धार्मिक प्रवचन ना समझा जाए, बल्कि इसे मॉरेलिटी, अखलाक और नैतिकता वाली बात समझी जाए। इसलिए कि हमारे भारत में रिलीजियस प्रीचिंग की कोई कमी नहीं है। सुबह सुबह टीवी हम चालू कर लें, कई चैनलों पर आपको हर मजहब के धार्मिक प्रवचन दिखाई देंगे, फिर भी हमारा जो देश है वो मॉरेलिटी और सदाचार से खाली हुआ जा रहा है। और इस हद तक खाली हुआ जा रहा है कि हमारे मजहबी चौधरियों को अब जेलों में जाके प्रवचन देना पड़ रहा है। मजहबी दुकानदारियां और धार्मिक शोषण, रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पारिक साहब एक बड़ी प्यारी मिसाल दिया करते थे कि भोपाल के नवाब ने सन 1950 में रोल्स रॉयस कार खरीदी।
उस जमाने में रोल्स रॉयस कार जो है वो ड्राइवर समेत बिका करती थी, इसलिए कि किसी को कोई गाड़ी चलाना नहीं जानता था और गाड़ी का मैकेनिज्म और उसके फंक्शंस नहीं जानता था। तो भोपाल के नवाब ने ड्राइवर समेत गाड़ी खरीदी। दूसरे दिन नवाब साहब की बेगम को शौक हुआ कि गाड़ी में घूमे ताकि सड़कों पर लोग मुड़ मुड़ कर देखें कि बेगम साहिबा रोल्स रॉयस में घूम रही हैं। गाड़ी निकली, चल पड़ी, बेगम साहिबा आलीशान गाड़ी में पीछे। ड्राइवर को एक शरारत सूझी, उसने चलते चलते गाड़ी बंद कर दी। बेगम साहिबा पूछने लगी कि भाई क्या हुआ, तो ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी में ईंधन खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया। तो पूछा कि अब क्या करें, क्या होगा। ड्राइवर बड़ा चालाक था, उसने कहा 50 किलो गेहूं, 50 किलो चावल, 25 किलो शक्कर, डालडा का डब्बा, और इस तरह उसने दो चार महीने का राशन लिखवा दिया। बेगम साहिबा ने तांगा रुकवाया, चिट्ठी लिखी और सारा सामान मंगवाया। ड्राइवर ने सामान डिक्की में डाला और गाड़ी चला दी। What actually the driver did? उसने lack of knowledge की बुनियाद पर, ज्ञान की कमी की बुनियाद पर बेगम साहिबा को चीट किया, उनका exploitation किया, उनका शोषण किया। आज 5 साल के बच्चे को अगर हम कहें कि गाड़ी पेट्रोल डीजल से नहीं, गेहूं शक्कर चावल से चलती है, तो हमें पलट कर जवाब देगा, भाई साहब आपकी खोपड़ी खसक गई है। और वो इसलिए जवाब देगा कि नॉलेज एक्सप्लोर हो गया है, ज्ञान जो है वो आम हो गया है। इसी तरह हेवनली स्क्रिप्चर और आकाशी किताबों की तालीम को अगर हम आम कर दें तो मजहबी शोषण, रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन खत्म होगा और ये मजहबी चौधरियों की जो दुकानदारियां हैं ये बंद होगी। आज सारी दुनिया डिस्क्रिमिनेशन के प्रॉब्लम से ग्रस्त है और त्रस्त भी है। अब इसका इलाज क्या हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे भी इससे अछूते नहीं है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, क्लास, कलर, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अब इसका इलाज क्या हो। अगर हम मजहबी चौधरियों के बजाय संसार के मालिक से पूछेंगे तो हमें जवाब मिलेगा कि फलियंजुर इंसान मिम्मा खुलिक, तू राजा हो या रंक, तू गोरा हो या सावला, तू कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, तू कितनी ही बड़ी सेलिब्रिटी बन जाए, अगर अपनी पैदाइश के सिस्टम को याद रखेगा कि किस गंदे पानी से तेरी पैदाइश हुई है, तो तू हमेशा कट टू साइज रहेगा और किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन और कोई भेदभाव नहीं करेगा। जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को पहचाने। इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि संसार के मालिक की किताबों में इंसान की जिंदगी की हकीकत बताई गई है कि मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इंसानों, याद रखना इस बात को कि इस धरती की मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया, मौत के घाट उतार कर इसी जमीन की मिट्टी में मिला देंगे और फिर हमारी कुदरत से हम तुम्हें कयामत के दिन मिट्टी से निकाल कर तुमसे हिसाब लेंगे कि अपने जीवन में तुमने क्या किया। हम अपनी जिंदगी को पहचाने कि अगले पल की खबर नहीं और जिंदगी भर का सामान इकट्ठा करने की धुन सवार होती है और उसमें भी अपने आप को सुपर समझते हुए दूसरों को ओछा समझते हैं। जब बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर कहता है कि किडनी बदलनी पड़ेगी तो किडनी डोनर की कोई जात पात नहीं देखी जाती, इसलिए नहीं देखी जाती कि मौत सामने दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती है। आज हम हवाओं में परिंदों की तरह उड़ रहे हैं, समंदर की गहराइयों में मछली की तरह पानी में गोता भी लगा रहे हैं, सैटेलाइट भी हमने हवाओं में छोड़ रखे हैं, लेकिन इस जमीन पर इंसानों की तरह जीना हम पूरी तरह सीख नहीं पाए। जरूरत है कि हमारे भारत में एक ऐसे समाज का कंस्ट्रक्शन हो जिसमें महरूमी ना हो, जिसमें अभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो और भेदभाव ना हो, यानी एक ऐसा समाज तैयार हो जिसमें सभी लोगों को समान रूप से अधिकार हासिल हो, जिसमें खासतौर पर महिलाओं को और बच्चों को एक गरिमा और सम्मान वाला माहौल मिले, जहां किसी किस्म का कोई डर और खौफ ना हो, अमन और शांति वाला पीसफुल एटमॉस्फियर हो। आज के चीफ गेस्ट श्री एस वाई कुरैशी साहब, जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहने के साथ साथ भारत सरकार के कई अहदों पर रहे हैं, कुछ किताबें भी इन्होंने लिखी हैं,
कई अवार्डों से इन्हें नवाजा गया है और सन 2011 और 12 के इंडियन एक्सप्रेस लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल इंडियंस में इनका भी नाम शामिल है। मैं मुबारकबाद देता हूं एसवाई कुरैशी साहब को कि दुनिया की लगभग सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज को इन्होंने एड्रेस किया है, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी है और आज नागपुर यूनिवर्सिटी का नंबर है। तो मैं उनका शुक्र अदा करता हूं कि इन्होंने नागपुर की इंटेलेक्चुअल सोसाइटी को अपना कीमती समय इस सब्जेक्ट के लिए दिया। हालांकि मैं जानता हूं कि उनके बहुत सारे सोशल असाइनमेंट्स हैं, कल ही उन्हें लंदन की फ्लाइट भी पकड़नी है। मैं उनका अपने दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि हमारे विद्यापीठ के कुलगुरु आदरणीय डॉक्टर काणे सर, जो हमारे मुख्य वक्ता हैं आज के, श्री कुरैशी जी, उनको मान चिन्ह एवं ग्राम गीता देकर उनका सत्कार करें, साथ ही उन्हें शॉल और श्रीफल भी दें। धन्यवाद सर। आपने अभी आदरणीय अब्दुल मजीद पारेख जी की बातें सुनी। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से, बहुत ही खूबसूरती से, और जहां तक मेरा ज्ञान जाता है, मुझे लगता है कि वे कुरान की आयतें भी बीच बीच में बोल रहे थे और उनका भी हवाला दे रहे थे। और जिस खूबसूरती से उन्होंने भेदभाव की नीति पर और किस तरह हमारे देश में अलग अलग मजहबों के लोगों में किस तरह से दूरियां पैदा होती हैं और कई बार की भी जाती हैं, इस पर रोशनी डाली। लेकिन अब मैं चाहूंगी कि जिनको सुनने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आज के हमारे मुख्य वक्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर एस वाई कुरैशी जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे यहां आए और इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय कुरैशी साहब। इस ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब डॉक्टर काने, प्रोफेसर प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर येवले, रजिस्ट्रार साहब मिस्टर मिश्रम, अब्दुल मजीद पारेख साहब, मैडम प्रोफेसर एंड साथियों दोस्तों, मेरे लिए बहुत ही इज्जत और खुशी की बात है कि मुझे मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब के मेमोरी में जो लेक्चर होता है उसको एड्रेस करने का मौका दिया गया है। मौलाना साहब से मेरा तारुफ तकरीबन 30 साल पहले हुआ था। दिल्ली वो आते रहते थे, उनसे एक बार मिलना काफी होता था क्योंकि उसके बाद तो आप उनको भूल ही नहीं सकते और बार बार आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब भी वो दिल्ली आते, हमारे स्काउट्स हमको इन्फॉर्म करते कि वो मौलाना साहब आने वाले हैं, उनके पास बैठ के उनसे बातें करके हम कुछ ज्ञान हासिल करते थे, सीखते थे। एक दफा मुझे यहाँ नागपुर आने का भी इत्तेफाक हुआ, किसी और फंक्शन के लिए मैं आया था तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, उनके घर गया और काफ़ी उन्होंने मुझे काफ़ी किताबें दी और ऑफ कोर्स जैसा हमेशा वो करते थे ज्ञान दिया। उनके बारे में मैडम ने जितना तफसील से बताया उसके बाद तो कुछ और ऐड करने की गुंजाइश ही नहीं। उनकी बस पर्सनालिटी का और उनकी जो ह्यूमैनिटी थी वो एक था, पीस सुकून आपसी मिलजुल, इस ये उनका जिंदगी का एक लक्ष्य था कि ये सब लोग मिलके रहें। और वो प्याम इंसानियत का भी जैसे जिक्र किया कि मौलाना अबुल हसन अली नदवी साहब ने जो किया था उनके ये लेफ्टिनेंट थे,
मुझे याद है 80-82 की बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसके वो वाइस प्रेसिडेंट थे, नदवी साहब प्रेसिडेंट थे, उसका एक सेशन हुआ था जयपुर में। उस सेशन में और टॉपिक्स के अलावा 3 तलाक का मसला भी था। ये दोनों बड़े लिबरल उलमा और हम को उम्मीद थी, यकीन था कि इसका मसले का हल निपटाया जाएगा, लेकिन उस कन्वेंशन ने, क्योंकि उसमें बहुत मेंबर्स होते हैं और बड़ा इख्तलाफ होने के चांस था, फैसला ये किया कि ट्रिपल तलाक है तो बड़ी बुरी चीज लेकिन लीगली वैलिड है, इलीगल नहीं है। तो मैंने मौलाना पारेख से जब वो वापस लौटे तो ऑलमोस्ट उनसे बड़ा झगड़ा किया। मैंने कहा मौलाना हम तो आपसे उम्मीद करते थे कि आप इस मसले का हल निकाल के जाएंगे, तो उनका मन भी यही था, वो चाहते भी यही थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा प्रॉब्लम ये थी कि इतना ज्यादा वहां पे इख्तलाफ इसके ऊपर हो रहा था कि हमको लगा कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही चाहे टूट जाएगा, उसे लॉन्ग टर्म में ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए हमने ये एक जो टेक्निकली उनका डिसीजन करेक्ट था, भाई जैसे चाइल्ड मैरिज इलीगल है अब, लेकिन 48% मैरिजेज इलीगल हो रही हैं, यानी 18 साल से नीचे लड़कियों की हो रही हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बुरी हैं लेकिन लीगल है कुछ, इसलिए वो डिस्टिंक्शन तो जरूरी होती है। उनकी याद में इस मेमोरियल लेक्चर के लिए जो टॉपिक चुना वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बल्कि उनकी जिंदगी का जो एक मकसद था उससे भी जुड़ा हुआ, जो इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जिसके ऊपर मजीद साहब ने भी बोला, मैडम ने भी उसका इसका हवाला किया, वो ही मुझे आज के लिए टॉपिक दिया गया है। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए लाइबिलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, सब इंसान, मर्द औरत, सब गरीब अमीर, अर्बन रूरल, ये सब एक खुदा ने एक पैदा किए हैं। ये जो डिस्टिंक्शन है ये बड़ी आर्टिफिशियल हम लोगों की बनाई हुई है और इसका बड़ा नुकसान होता है। किसी भी देश को जोड़ने के लिए एकता होना और सबको बराबर ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। ये चाहे उसका मजहब, रिलीजन, रेस, कल्चर, कास्ट, ये सब मटेरियल है। इंटीग्रेशन, एक मुल्क, एक कौम, एक स्टेट या जो भी आपकी एंटिटी है उसके इसकी बात कर रहा है, उनमें एकता के लिए जरूरी है कि ये सारे भेदभाव न हो। इंडिया तो सबसे बड़ी मल्टी रेशियल सोसाइटी है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम सब सुनते चले हैं बचपन से, ये सुनते हैं कि इंडिया में की डाइवर्सिटी है और उसी उसकी जो यूनिटी है वो हमारा एक बहुत बड़ा फीचर है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें, जो अगले स्लाइड में आपको दिखाई देगा, इसमें सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाते वक्त जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और फ्रेटर्निटी की जहां बात है उसमें एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक लक्ष्य है। देन प्लूरलिज्म, ये इंडिया का एक यूनिक फीचर है कि यहाँ सिर्फ एक किस्म के लोग नहीं है, ये इससे ज्यादा डाइवर्स कंट्री पूरी दुनिया में नहीं है। कोई ऐसा मजहब नहीं दुनिया का कि जो यहाँ पे ना हो। 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आप जानते हैं, 200 के करीब डेवलप लैंग्वेजेस हैं, 6000 डायलेक्ट्स हैं और हम सब एक हैं। अपनी अपनी भाषाएं, अपने मजहब, अपने अपने घर में, लेकिन टुगेदर वी आर ऑल इंडियंस, वी आर ऑल वन, दैट इज द ब्यूटी। अब पूरी दुनिया हमारे इस प्लूरलिज्म को एडमिरेशन से देखती है, एक मिनी संसार है, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं कोई और किसी न किसी भाग में जो हमारे यहाँ सिर्फ छोटे से हमारे देश में ना हो। ये एक फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जैसे कहा, इंडिया इज नॉट ओनली द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इट इज ऑल्सो सेक्युलर प्लूरलिस्टिक सोसाइटी कमिटेड टू इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, सब मिलके ग्रो करेंगे, इकट्ठे कोई रह ना जाए। गांधी जी ने तो इक्वालिटी के लिए जो लड़ाई लड़ी,
particularly the scheduled caste ke rights ke liye jo unhone ladai ladi aur us unhone kaha ki the Hindus, the Mohammedans, the Parsis and Christians who have made India their country are fellow countrymen. Unhone ek aur baat bhi kahi ki India ke pluralism ke piche uski history hai. 5000 saal mein कहाँ कहाँ से वो सेंट्रल एशिया से वेस्ट से हर किस्म के लोग आते गए, लेकिन इंडिया में कुछ एक ऐसे मैग्नेट था, एक ऐसा चार्म था कि जो यहाँ आया वो यहीं का होकर रह गया, उसने अपने घर से नाता तोड़ लिया, इसी को घर बना लिया. उस लिहाज से 5000 साल में हमारे यहाँ कोई फॉरेन रूल नहीं था, हमारे यहाँ फॉरेन रूल सिर्फ एक हुआ, ब्रिटिश रूल, अंग्रेज, क्योंकि वो लंदन से राज करते थे. क्वीन तो वहां से छोड़ के इंडिया में नहीं आके बस गई, अगर बस गई होती तो इंडियन हो जाती, बाकी जो भी आया वो इंडियन हो गया, उसने अपना घर बार बाकी सब छोड़ दिया, भुला दिया. ये इंडिया की एक खूबसूरती और ये इंडिया का एक स्पेशल एक फीचर था. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो सेक्युलर और इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी एक यूनिक चीज है. आप देखें, बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, जिस वक्त पार्टीशन हुआ इतना ब्लडी पार्टीशन, लाखों लोग दोनों तरफ मरे, इतना मैसिव माइग्रेशन हुआ, पॉपुलेशन इधर से उधर गई, उधर से इधर आई, और उसके बाद जब इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया कि कोई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख में कोई भेदभाव नहीं होगा, सब एक है. और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 80% मेंबर्स हिंदू थे. मैंने अभी दो दिन पहले किसी अखबार को एक बयान दिया था, वो तो पूरी दुनिया में छपा, क्योंकि वो एजेंसी थी तो एजेंसी की रिपोर्ट जब जगह जाती है. मैंने उसमें एक बयान में ये कहा था कि हिंदुस्तान सेक्युलर देश है क्योंकि हिंदू सेक्युलर है, उसके बिना सेक्युलर हो नहीं सकता था, वो सेक्युलर है 5000 साल से, उनके दिल पे बड़ी गुंजाइश है, हर शख्स जो आया वेलकम, सबको अडॉप्ट कर लिया, सबको पाल दिया, सबको अपना लिया. ये हिंदुस्तान की यूनिकनेस है, ये हिंदुस्तान की ब्यूटी है. बीच बीच में कभी कभी इख्तलाफ जरा बढ़ जाते हैं, कुछ कुछ एबरेशन होते हैं, वो मैं समझता हूँ, वो मैंने कहा उसमें अपने इंटरव्यू में कि वो टेम्परेरी एबरेशन है, कि कुछ दिन के लिए आदमी की तबीयत भी, बुखार भी हो जाता है, चार दिन में ठीक हो जाता है, वो साल दो साल में हालात फिर ठीक हो जाते हैं. आफ्टर ऑल आपको याद होगा जिस पार्टीशन का मैंने हवाला दिया जिसमें लाखों लोग मरे, 10 साल के बाद हमें तो उसका किसी का जख्म नजर नहीं आता था, किसी के मुंह पे बिटरनेस नहीं थी, सब मिलजुल के वो सब एक हो गए थे. फिर 10-15-20 साल में कुछ और आ गया, कुछ झगड़ा फसाद का कोई वजह निकल आई, 2-4 साल फिर आपसी इख्तलाफ हो गए, फिर एक हो गए. तो ये तो जैसे हमारे एक परिवार में होता है, बहन भाई लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं, बहन भाई लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इथॉस, हिंदूज का इथॉस इज सेक्युलर, इज इंक्लूसिव एंड वेरी वेरी ह्यूमैनिटेरियन, सबको एक साथ लेके चलना, ये हमारा कैरेक्टर है. और ये मुझे यकीन है कि यही हमारी आइडेंटिटी जो दुनिया में है ये हमेशा बनी रहेगी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कितने सारे आर्टिकल हैं जो इसी सब्जेक्ट से डील करते हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, ये इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन, सब बराबर है, मजहब, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, रीजन, सब भूल जाइए, सब बराबर है, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है. डिस्क्रिमिनेशन क्या किस बेसिस पे हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारे कोई परमिशन नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन. एंड आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक राइट टू फ्रीडम टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री, वी ऑल आर फ्री सिटीजन, वी आर फ्री टू डू व्हाट वी लाइक, व्हाट वी से, व्हाट वी प्रैक्टिस, क्या हम कारोबार करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ घूमते हैं, टोटल फ्रीडम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज इंडिया. अब ये इसी में छोटे प्रिंट में उन्हीं आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 की जो डिटेल दी हुई है उसको, ये उसी की तफसील है. एक बहुत कॉन्सेप्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दूसरी तरफ एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, बल्कि इंकरेज है. एक चीज होती है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर कोई इतना पिछड़ा हुआ है कि वो उसकी वजह से पूरा देश ही पिछड़ा रह जाए, उसके लिए अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज उसको देते हैं
तो वो नॉट ओनली वो गलत नहीं है बल्कि डिजायरेबल है. हमारे देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन है? महिलाएं. अब महिलाओं के लिए अगर रिजर्वेशन कर दी जाए ये डिस्क्रिमिनेशन है एक लिहाज से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, अलाउ ही नहीं करता, इंकरेज करता है कि इनको दो. शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इनके लिए जो रिजर्वेशन वगैरह रखी गई ये उसी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंकरेज किया. जैसे जमीन में बहुत सारे गड्ढे हुए, आप उसमें पानी भरिए तो सबसे पहले गड्ढों में पानी भरेगा, और जब तक डीपेस्ट गड्ढा ना भर जाए पानी का लेवल ऊपर आ ही नहीं सकता. तो अगर हमने देश ने कलेक्टिवली ऊपर उठना है तो पहले उन गड्ढों में पानी तो जाने चाहिए. वो उन गड्ढों को भरने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है. आर्टिकल 25 सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज को अलाउ करता है कि आप अपने अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सेटअप कीजिए, अपना मजहब फैलाइए, बात कीजिए. सो लॉन्ग एज लालच नहीं दे रहे या फोर्स या ज्यादती नहीं कर रहे, आप अपना मैसेज एक दूसरे को पहुंचाइए, दूसरा आपको पहुंचाएगा, आपको जो चीज सुनने वाले को अच्छी लगेगी वो उसको अडॉप्ट करना चाहे कर सकते हैं. तो ये जो फ्रीडम टू प्रैक्टिस नॉट ओनली प्रैक्टिस बट प्रीच योर रिलीजन टू रन योर इंस्टीट्यूशन, ये भी एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिक फीचर है. और इसमें कोई सरकार की तरफ से रुकावट अलाउड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रोका. अब मैं इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आना चाहता हूं क्योंकि वो लेटेस्ट जॉब मेरी वही थी. कि दुनिया में हिंदुस्तान की जो एक आइडेंटिटी है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की है. मैं तो पूरे दुनिया में घूमता रहता हूं, आपको अंदाजा नहीं कि कितनी रिस्पेक्ट हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की है. अगर कोई ब्राजील में अर्जेंटीना में स्पेन में अगर कोई इंडिया को थोड़ा बहुत भी जानता है वही जानता है कि हाँ जी बहुत ज्यादा लोगों की कंट्री है, बहुत लोग हैं, बड़ी डेमोक्रेसी है. और यह डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी ये हमारी अबाइडिंग आइडेंटिटी है. और उस डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल होता है इक्वालिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन. जब 1950 में हमने डेमोक्रेसी चुनी उस वक्त यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी मेन एंड वेमेन को इक्वल वोटिंग राइट्स दिए गए, यानी महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन पहले दिन से हटा दी. आपको ये सुन के लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, कौन सी बड़ी क्या खास बात है इसमें. इसमें बड़ी खास बात है. मैं अगर आपसे पूछूं या आपको बताऊं कि आपको मतलब है अमेरिका जो ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, उन्होंने महिलाओं को बराबर का हक कितने साल में दिया था? 144 साल बाद. यूके जो मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसने कितने साल में औरतों को बराबर का हक दिया? 100 साल बाद डेमोक्रेसी शुरू होने के. इधर हमारा गरीब देश जिस वक्त 84% अनपढ़ता थी, इलिटरेसी थी, कास्ट एंड कम्युनिटीज में हम डिवाइडेड थे, कम्युनल राइट से अभी निकल के आए थे, 565 प्रिंसली स्टेट हमको रूल करते थे, ऐसी सूरत में हमने इक्वल वोटिंग राइट पहले दिन देना ये एक अजूबा है. मगरिब का जो है वेस्टर्न वर्ल्ड ये देख के बड़ा हैरान हुआ और उन्होंने बड़े मजाक उड़ाया हमारे देश का कि ये हिंदुस्तानी लोग पागल हो गए, ये डेमोक्रेसी चलाएंगे, 84% इनके लोग इलिटरेट हैं, ये कैसे इनका देश चल पाएगा, कैसे डेमोक्रेसी चलेगी. पहले ही इलेक्शन 51-52 में जो हुआ उसने दुश्मनों के दांत खट्टे किए और इतना बढ़िया इलेक्शन हो रहा है जो ना पहले उस वक्त कोई एक्सपीरियंस था ना कोई मैन पावर थी, नए सिरे से सब कुछ बना के और पूरी दुनिया को करके दिखा दिया. वो उस वक्त का दुनिया का लाभ बिगेस्ट इलेक्शन था, बड़ा पीसफुल हुआ जिसमें महिलाओं ने और पुरुषों ने, गरीब अमीर, रूरल अर्बन, सबने मिलजुल के किस तरह उस डेमोक्रेसी को कामयाब बनाया वो खुद ही एक हिस्टोरिकल चीज है. अक्सर लोग कहते हैं कि ये स्विट्जरलैंड से फलाची सीखो कंपलसरी वोटिंग, ऑस्ट्रेलिया से सीखो. छोटे छोटे से तो उसी स्विट्जरलैंड को जिसको हम मॉडल मानते हैं उन्होंने इक्वल वोटिंग राइट टू वुमेन 1984 में दिया था. 1984 में जब तक हमारे कितने इलेक्शन हो चुके थे. इंग्लैंड में एक मेजर पार्टी की लीडर
300 साल डेमोक्रेसी के बाद मार्गरेट थैचर बनी थी प्राइम मिनिस्टर, 300 साल बाद. और हमारी सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस की लीडर बनी, कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी. आजादी के बाद 19वें साल में हमारे हमने वुमन प्राइम मिनिस्टर दे दी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर एवर इन द वर्ल्ड. यूनाइटेड स्टेट, जिससे हम अक्सर कहते हैं लोग कि साहब आप ईवीएम क्यों यूज करते हो, इवन अमेरिका डजंट यूज ईवीएम. हर विजडम में अमेरिका से ही आना है क्या? उन्होंने तो 144 साल में औरतों को हक दिया था, तो वो अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं? हमने 19 साल में एक वोमन प्राइम मिनिस्टर दी, उन्होंने 240 साल में एक वोमन प्रेसिडेंट नहीं दे पाए, कौन अच्छा है? हम अच्छे हैं. तो हर चीज हमको वैसे ही आएगी. तो ये बड़ी यही हमारी धारणा गलत है, ये स्लेविश मेंटालिटी हमें चेंज करनी पड़ेगी. डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है इक्वल पार्टिसिपेशन, के कोई वंचित ना रह जाए, एक नॉट इवन वन. यही वजह है कि हमारे पोलिंग स्टेशन ऐसी ऐसी जगह पे है कि आप हैरान होंगे, जहां पहुंचने के लिए 3-3 दिन पैदल चलना पड़ेगा, या किसी हाथी के ऊपर ही जाएंगे तो उस जंगल में आप जा पाएंगे, या ऊंट में जाएंगे तो डेजर्ट में जा पाएंगे, या बोट में जाएंगे तो आइलैंड पर पहुंचेंगे. हमारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कुछ जो इंडिया के मेन लैंड से 1200 किलोमीटर और इंडोनेशिया से सिर्फ 100 किलोमीटर, वहां पे भी हमारा पोलिंग स्टेशन, और उसने भी इतना अच्छा इलेक्शन देना है जो नागपुर में और दिल्ली में देना चाहिए, सवाल ही नहीं इसके अलावा कि उसको हम उससे कम को मान लें. हमारे दुनिया का बिगेस्ट इलेक्शन अभी हमने किया, 83 करोड़ वोटर्स. आपको मालूम है कि ये लोग कहते हैं कि जी वो बहुत सारे कंट्री से, वन ऑफ द लार्जेस्ट, द सेकेंड लार्जेस्ट अमेरिका हमसे 1/4 है. पूरे यूरोप में 50 देश है, पूरे 50 हमसे हमारे से आधे हैं. अफ्रीका में 54 देश हैं, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में 43 देश है, कॉमनवेल्थ में 53 देश है, वो सब हमसे आधे हैं. हमारे 90 देशों की आबादी और 90 देशों की कम्प्लेक्सिटीज, पेचीदगियां, परेशानियां, प्रॉब्लम, हर किस्म की हर चीज यहाँ मौजूद है, उसके बावजूद हम एक बड़ा पीसफुल इलेक्शन देते, खून का कतरा नहीं गिरता, दोपहर तक लंच के टाइम तक रिजल्ट दे देते. तो ये कोई मामूली चीज नहीं है, दुनिया इसको जितने उससे देखती है इज्जत और फियर से, ये हमारे लिए गर्व की बात है. कंसर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी, मैंने जैसे कि बताया कि सबसे डाइवर्स कंट्री है, तो इंक्लूसिविटी ऑफ ऑल सेक्शंस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग. और उसमें हमें हर किस्म की माइनॉरिटीज, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज नहीं, नॉर्मल कंसेप्शन ये होता है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी तो हर किस्म की होती है, लिंग्विस्टिक, एथनिक, कल्चरल, रीजनल, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कोई इंटिमिडेशन किसी के लिए अलाउड नहीं. कानून ने प्रोटेक्शन दी है, कोई थ्रेट नहीं कर सकता, कोई अंडी इन्फ्लुएंस इनके ऊपर यूज नहीं कर सकता. रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से आप वोट नहीं मांग सकते, रिलीजन और कास्ट के नाम से आप वोट नहीं मांग सकते. एकदम कानून देश के और मॉडल कोड पिक्चर में आ जाता है और वो नेताओं को फौरन सजा देता है. पॉलिटिशियन अपनी स्पीचेस में कि हेट स्पीच, किसी के खिलाफ नफरत फैलाने की बात नहीं कर सकते, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, किसी की पब्लिक मीटिंग डिस्टर्ब नहीं कर सकते, प्लस डिग्निफाइड कैंपेन रखना होता है, और जो बाय एंड लार्ज हम लोग अचीव कर रहे हैं. नेक्स्ट देखें, वुमेन, लार्जेस्ट माइनॉरिटी वुमेन, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन किए जाते हैं, इनके लिए क्यूज अलग है, कई कई जगह पे स्टाफ इनके लिए अलग होता है, कई जगह पर्दे नशीन औरतें होती हैं, लेकिन हमारे तो रूल है कि भाई हमने आइडेंटिफाई तो वोटर को करना है, नकाब लगा के आओगे हमें तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो नकाब तो उतारनी पड़ेगी, लेकिन हमें आपकी कल्चरल सेंसिटिविटी का भी ख्याल है, तो हम वहां पे वोमन स्टाफ बिठाते हैं कि एक लड़की होगी, एक औरत होगी, उसको अपना शक्ल दिखा दो, बात हमारे लिए आपका भी काम बन गया, हमारी बात भी पूरी होगी. तो ये सेंसिटिविटीज होती है जिनका पूरा ख्याल रखते हैं. डिसेबल्ड, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, वो ना वंचित रह जाए, वो ना महरूम रह जाए. 10 लाख के करीब हमारे पोलिंग स्टेशन है, वो स्कूलों के टूटे फूटे स्कूलों के बिल्डिंगों में होते हैं, हम वो सिर्फ एक दिन के लिए उनके ऊपर रैंप बनाते हैं ताकि उनकी व्हील चेयर जा सके,
क्योंकि वो महरूम न रह जाए, वरना डिस्क्रिमिनेशन का चार्ज हो जाएगा। हमारी जो मशीनें हैं 18-20 लाख मशीनें यूज करते हैं ईवीएम, उस सब के ऊपर ब्रेल फैसिलिटी है ताकि ब्लाइंड पर्सन सिर्फ वो छू के वो देख सके कि ये कौन कैंडिडेट है उसके ऊपर। हालांकि ब्रेल से पढ़े लिखे लोग बहुत कम है, डजंट मैटर चाहे वो एक भी है, हम उसके लिए 18 लाख मशीनों में ये फैसिलिटी क्रिएट करते हैं। बहुत बूढ़ा या इनफर्म हो या उसके लिए हम कंपेनियन अंदर अलाउ करते हैं। ये जो सिंबल्स आप देखते ना बैलेट पेपर के ऊपर सिंबल्स, ये भी क्यों शुरू की गई थी कि कोई अनपढ़ आदमी महरूम न रह जाए। पढ़ तो नाम नहीं पढ़ पाएगा, पार्टी का नाम नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन सिंबल तो पहचान लेगा, पंखा बत्ती ये कुर्सी मेज वो पहचान लेगा। तो इसके लिए हमने ये सिंबल शुरू की थी। आजकल कहीं से डिमांड आ रही है कि सिंबल हटाओ, बड़ी बेवकूफी की बात है, सिंबल तो बहुत काम की चीज है। मैं कहता हूँ आपको कि मैं जब वोट देने जाता हूँ तो नाम और पार्टी नहीं पढ़ता, मैं भी सिंबल देखता हूँ, वो ज्यादा आसान काम लगता है मुझे। तो हमारे जो इलेक्टोरल रूल्स होते हैं वो उसको मल्टी लैंग्वेज करेंगे, यहाँ पे अगर एक से ज्यादा लैंग्वेज वाले हैं वो दूसरी लैंग्वेज भी उसमें छापते हैं ताकि किसी को पढ़ने में महरूम न रह जाए। तो इस एक तरफ हमारे 83 करोड़ वोटर हैं, लेकिन एक एक वोटर पर जो एम्फेसिस है, हमारा एक पोलिंग स्टेशन है जहां पे सिर्फ एक वोटर है। अब गुजरात के गीर फॉरेस्ट में जंगल में प्रीस्ट है, पादरी है, वहां रहता है, जाना नहीं चाहता। हमारा रूल है कि 2 किलोमीटर से ज्यादा आपको जाना ना पड़े, तो हमने उसके लिए एक पोलिंग स्टेशन हम उसके लिए बनाते हैं। वहां पे शेर हैं, बड़े वाइल्ड लाइफ है, आदमी के नॉर्मल जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन उसके लिए 6 आदमियों की पोलिंग पार्टी एक रात पहले जाके पोलिंग स्टेशन लगाती है उस एक आदमी के लिए। वो आएगा कल 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, उसकी चॉइस। वो पिछली बार वो 2 बजे के करीब आया, तो कहते हमने वेट किया। इवन आफ्टर ही हैज वोटेड, हम उसके बाद भी हम पैकअप करके नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? जब एक ही वोटर था उसने आके वोट दे दिया तो हम क्यों नहीं जा सकते? कानूनी तौर पे ये प्रॉब्लम हो सकती है थ्योरेटिकली कि कोई आदमी आके कहे कि ये जो बाबा जी आपको वोट दे के गए ये तो बोगस थे, असल बाबा तो मैं हूं, मैं वोटर। डिस्प्यूट होगा, तो उस डिस्प्यूट का हम इंतजार करते हैं और 5 बजे जब सारे पोलिंग स्टेशन बंद होते जब बंद करते हैं। अच्छा, और एक वोट के लिए भी इतना एम्फेसिस देना, ये देखिए ये कोई छोटी बात नहीं। उसी अभी रिसेंटली गुजरात के बॉर्डर से राजस्थान में एक साहब है जो एक वोट से हारे, सीपी जोशी साहब का नाम आपने सुना होगा, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। सुना ये जाता था कि वो अगर जीतेंगे तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो एक वोट से हार गए। जब वो हार रहे थे तो उन्होंने फोन किया रिटर्निंग अफसर को, साहब हमारा ये जो वोटिंग मशीन थे जो टोटल्स हैं वो हाथ से गिने जाते हैं, वो एक दफा फिर कैलकुलेट कर दीजिए, हो सकता है उसमें गलती हो। अच्छा जी, कर देते हैं। 15 मिनट में वो 500 के करीब वोट थे, सर पोस्टल बैलेट वो काउंट कर दिए, वही रिजल्ट। फिर उन्होंने कहा ये जो टोटल्स हैं इनको दोबारा काउंट कर दीजिए, गलती हो, वो कर दिए 15 मिनट में, वही रिजल्ट। तीसरा फोन उनका थैंक यू का कि भाई आपने पूरे मेरी हर बात मानी, मैं हार गया तो ये मेरी तकदीर। एक इसके साथ एक इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ गई, उनकी वाइफ ने वोट नहीं किया था। मैंने जोशी साहब से पूछा जब ये सुना बाहर में पड़ा है, मैंने कहा जोशी जी ये सुन रहे हैं कि ये ठीक है? उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है। उस दिन मेरी वाइफ और मेरी डॉटर एक टेम्पल चले गए थे। हमें यहाँ पे 3 लेसन हमारे लिए हो गए। एक तो एवरी वोट मैटर्स, एवरी सिंगल वोट काउंट्स। दूसरा, यू कांट टेक इवन योर फैमिली फॉर ग्रांटेड कि जी चलो घर की बात है, नहीं। तीसरा, ऑन द डे ऑफ पोल द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल इज द पोलिंग स्टेशन, ये चीज नेताओं ने सीख ली। सो इसलिए एक एक वोट की, जहाँ एक एक वोट की इतनी अहमियत हो उससे सरकारें बनती और गिरती हो। वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिरी थी, आपको याद होगा, जहाँ उसकी एक वो, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन का तो स्कोप ही नहीं है। सबका इंक्लूड करना कितना जरूरी हो जाता है और उस कितनी खुश असलूबी से हम लोग उसको करते हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इलेक्टोरल रोल जो है वो एक अच्छे इलेक्शन की बुनियाद है।
एक्चुअली इलेक्शन तो हारा या जीता जा सकता है इलेक्शन से भी बहुत पहले इलेक्टोरल रोल को मैनिपुलेट करके. आप लोगों को चाहिए आप विजिलेंट रहें कि आप होता है कि आप लोग देखते तो है नहीं और जब बिल्कुल ही वोट देने आ गया गए और मेरा नाम नहीं, मेरा नाम कटा हुआ है जी. अब नाम किसी भी वजह से कट गया, बेईमानी से कट गया या नालायकी में कट गया या कंप्यूटर मिस्टेक से कट गया, कट गया तो आपका राइट तो गया. कोई दुनिया की ताकत, कोई कानून, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता कि नहीं दो, क्योंकि आपकी जेब में वोटर कार्ड था दिया हुआ जो 5 साल पहले दिया था, वो काफी नहीं है. हम तो हर साल आके अपडेट करते हैं क्योंकि उस 5 साल में तो आप हो सकता है यहाँ से बम्बई जा चुके हो रहने के लिए, ट्रांसफर हो गए, माइग्रेट हो गए, अपडेट करना. तो आप लोगों का अलर्टनेस इसमें बहुत जरूरी है. हमने इसके लिए बूथ लेवल सिस्टम, VLO बूथ लेवल ऑफिसर, आपके गांव का, आपके पड़ोस मोहल्ले का एक टीचर कोई है जो VLO है जिसके घर आप जाइए, दिखाओ भाई जरा नाम दिखाओ है कि नहीं, नहीं है तो एप्लीकेशन दो, कुछ गलती है तो उसकी करेक्शन कराओ, ये आप करा सकते हैं. ये आपको अपने अलर्ट होने की जरूरत है. नाउ डिस्क्रिमिनेशन हमारे डिक्शनरी में इलेक्शन कमीशन की बिल्कुल है ही नहीं. जीरो टॉलरेंस, न्यूट्रलिटी इज नॉन निगोशियबल. हमारे पास ये शिकायत कोई लेके आती है एक पार्टी के साथ, ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, ये DG पुलिस हैं, ये होम सेक्रेटरी, ये फला पार्टी के साथ जरा ज्यादा हमदर्दी दिखाते हैं. हम कहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब घर चले जाइए, हमको आपकी जरूरत नहीं है. यूपी में हमने एक दफा होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, DGP तीनों को एक साथ बदला क्योंकि हमको उनकी न्यूट्रलिटी पे शक हो गया. ऑपोजिशन पार्टी ने दिखाया, हमने कहा नॉट एक्सेप्टेबल, सब बराबर है, आप जरा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो आप घर बैठिए. तो यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी इतनी हाई है कि सबको फेयरली हम लोग ट्रीट कर पाते हैं. शेड्यूलिंग ऑफ इलेक्शन, अब जैसे ये इलेक्शन की डेट्स होती है, ये भी इसके पीछे हम कि आपको अंदाजा नहीं कि कितना होमवर्क हम करते हैं, क्योंकि हर स्टेट के हर छोटी छोटी जगह में कोई छोटा फेस्टिवल है, कोई लोकल फेस्टिवल है, कल्चरल, रिलीजियस, वो उस दिन हमने अगर पोलिंग रख दी तो आप लोगों को तो कष्ट होगा, हमें मंजूर नहीं है वो. तो इन सब का देखते हैं, कोई फेस्टिवल तो नहीं है, एग्जामिनेशन का सीजन तो नहीं है, एग्रीकल्चर का सीजन तो नहीं है, वगैरह वगैरह. इस बेसिस के ऊपर फिर डेट फिक्स करते हैं ताकि किसी को कष्ट ना हो, वो महरूम ना रह जाए. इंटिमिडेशन एंड फ्रॉड कितना हो सकता है उसके खिलाफ हमारे बहुत सारे डिवाइसेज हैं जो हम होने नहीं देते. वल्नरेबिलिटी मैपिंग, हम ये भी करते हैं कि भाई कौन सा, ये नहीं कि जब ट्रबल हो गई हम पुलिस लेके पहुंच गए, जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं ना जब हादसा हो चुका है तभी बम्बई पुलिस आती है, ऐसा नहीं है. हमारे हमें तो पहले से एंटीसिपेट करना है कि अगर कुछ हो सकता है तो जरूर होगा और हमने उसको होने नहीं देना, ये हमारा चैलेंज होता है. तो हम इसके लिए वल्नरेबिलिटी मैपिंग करते हैं कि हर गाँव की हमारे पास इतनी मोटी किताब होती है कि इसमें कौन कौन से गुंडे हैं, उन्होंने किस किस को परेशान किया था, उसके बाप दादा का क्या क्या नाम है, क्या इनकी हिस्ट्री है, इनकी पोलिंग परसेंटेजेस कैसी रही हैं. ऐसा तो नहीं कि नॉर्मल वोटिंग परसेंटेज है 60 और इस गांव में भी 90. तो इसमें हमें स्पेशली इमीडिएटली सस्पेशन के रहते हैं वोट कैप्चर हुआ होगा तो फ्लैग कर लेते हैं, या ये कि एवरेज वोटिंग थी 60% और एक गाँव में 20 फौरन हमारे घंटी बज जाती है. क्या हमको सस्पिशन होता है कि यहाँ पे इंटिमिडेशन हुई है, यहाँ पे कुछ पुअर लोगों को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को वोट देने के लिए आने नहीं दिया गया होगा, तो हम इनको फ्लैग करते हैं और इन पे खास निगाह रखते हैं. इलेक्टोरल वायलेंस के लिए तो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स और किस तरह पुलिस वुलिस बंदोबस्त, ये बड़ी तफसील की बात है. वोटर एजुकेशन, हमने 10 साल पहले वोटर एजुकेशन शुरू की. लोगों ने कहा कि साहब एजुकेट करना वोटर का आपका काम नहीं है, आपका काम तो इलेक्शन कराना है, लेकिन हमने कहा बिल्कुल है, क्योंकि वरना ये डिमांड आती है कि कंपल्सरी वोटिंग कर दो, कंपल्शन और डेमोक्रेसी तो एक साथ नहीं जाते. योर राइट टू वोट इंक्लूड्स योर राइट नॉट टू वोट, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ये कह रखा है. लोग कहते हैं कि साहब नहीं नहीं आप कर दो, ऑस्ट्रेलिया में है, सिंगापुर में है. ऑस्ट्रेलिया तो हरियाणा के बराबर का है, 4 ऑस्ट्रेलिया हमने 2009-14 के बीच में ऐड कर दिए थे अपने पोल में, 4 ऑस्ट्रेलिया. सिंगापुर करोल बाग के साइज का है. अब उससे हम सीखेंगे,
तो इसलिए हमारा अपना एक विजडम, हमारा अपना एक एक्सपीरियंस जो है इलेक्शन कमीशन का, हम उससे जाते हैं और जो सिस्टम हमारा चल रहा है बहुत अच्छा। नाउ जब तक हम एक एक शख्स को साथ लेके नहीं चलेंगे अच्छा इलेक्शन नहीं हो सकता। अब मैं आपको कुछ एंड में कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ जनरली जो आपके खुद के देखे हुए हैं कि किस तरह डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब हम अब्रॉड जाते हैं वो लोग बड़े इससे फैसिनेट होते हैं, उन्होंने हाथी नहीं देखा, उन्होंने ऊंट नहीं देखा होता। तो भाई ये क्या, भाई राजस्थान में ऊंट ही जा सकता है, छत्तीसगढ़ झारखंड के फॉरेस्ट में हाथी ही जा सकता है, ये किस तरह वो क्यूज है, कितनी ऑर्डरली है। इसमें आप देखेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी और उनकी पत्नी, अब वो आप देखेंगे वो उंगली पे वो दिखा रहे हैं, उनके उंगली पे भी निशान लगाया जाया है कि आप दूसरी जगह जाके वोट ना दे देना, इसलिए आप अपनी उंगली पे ये निशान लगवाइए। और आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी अपनी जब उंगली पे निशान दिखा रहे हैं उनके चेहरे पे नाराजगी नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं, जो बहुत कम मुस्कुराते हैं वैसे मुस्कुरा रहे हैं। बिकॉज ही प्राउडली ही शोइंग हिज फिंगर वेरी प्राउडली कि देखो मैं मुझ में और जनता में आम आदमी में कोई फर्क नहीं है, वी आर ऑल इक्वल, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। दो पोलिंग बूथ लद्दाख के जहाँ पे 37 वोटर थे वहाँ हमारे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पा रहे थे एयरफोर्स के, 4 अटेम्प्ट के बाद, तो हमने पैदल टीमें भेजी, उन्होंने फोटो रास्ते में खींचे। ये जब है जब वो मशीनें वापस आई हैं और ये हमारे अफसर देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट कि कोई गड़बड़ तो नहीं थी, क्योंकि अगर गड़बड़ होगी तो हम 3 बाद दोबारा रीपोल करेंगे। रीपोल हमारा एक लास्ट वेपन है, पहले होता था कि आप बूथ कैप्चर कर लो ठीक है, इलेक्शन पिटीशन होता रहेगा 10 चलेगा कोई बात नहीं, हम वो उसको मौके नहीं आने देते कि हम अगले दिन ये देखेंगे कि कई गड़बड़ की रिपोर्ट थी, एविडेंस थी, तो दोबारा पोल कराएंगे और दोबारा अभी अगर ठीक नहीं हुआ तो रीपोल का भी रीपोल कराएंगे। आप लोगों ने एक नई फिल्म आई है न्यूटन देखिए, क्या देखिएगा नक्सल एरिया में किस तरह एक पोलिंग बूथ के लिए क्या एफर्ट करनी पड़ती है। पिछले वाले में देखा विमेन की क्यू थी, यूपी वाला हम इलेक्शन कर रहे थे तो हमने कहा कि विमेन को असल में प्रॉब्लम होती है कि बेचारियों को सबसे पहले घर में उठती है, सबसे पहले बच्चों की तैयारी करनी है, हस्बैंड की तैयारी करनी है, घर साफ करना है, कुकिंग करनी है, नाश्ता बनाना है, उनको मुश्किल होती है। तो हमने एक छोटा सा एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया, हमने कहा एक मर्द जब पोलिंग बूथ के अंदर जाता है उसके अगेंस्ट 2 औरतों को जाने दो ताकि उनकी क्यों डबल फास्ट चले। मैजिक हुआ, उनकी बूथ की उतनी फास्ट 10 मिनट में औरतें अपने घर पहुंच गई। पड़ोसन पूछती है कि बहन तुम वोट देने जा रही हो आज, उन्होंने कहा देने जा क्या रही हूँ, मैं तो वोट दे के आ भी गई। अच्छा इतना आसान है, मैं भी जाती हूँ। नतीजा ये हुआ कि 45% इंक्रीज इन विमेन्स टर्नआउट इन यूपी पिछले इलेक्शन में, 45% इजाफा हुआ। हमने एक कॉमन सेंस एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। ये गेंद देखेंगे कि तरह हमारे जो कल्चर है मिक्स कल्चर उसकी ये सिम्बल्स। नाउ ये लेडीज एंड जेंटलमैन ये आपके लिए क्विज है। क्विज क्या है, इसमें से एक हारा हुआ चीफ मिनिस्टर है, एक जीता हुआ चीफ मिनिस्टर है, आप बताइए कौन हारा हुआ कौन जीता हुआ। जैसे कहते हैं ना कि एक पिक्चर से 1000 वर्ड्स, ये वो पिक्चर है जो 1000 वर्ड्स के बराबर है। ये इतने अच्छे व्यवहार, इतने खुश एक दूसरे से क्यों है, क्योंकि जो हारा है उसको गिला नहीं है इलेक्शन कमीशन से, बेईमानी का उसको शुबा नहीं है, उसको मालूम है मैं ईमानदारी से इलेक्शन हुआ, ठीक इलेक्शन हुआ, मैं हार गया कोई बात नहीं, अगले बार फिर लड़ूंगा। तो ये जो क्रेडिबिलिटी है ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। ये वही 2000 हैं। अब ये देखिए इलेक्शन खत्म हो गया, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन के मनमोहन सिंह को बुके देके उनके घर पे गए। ये देखिए ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत स्टेटमेंट है। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। ये आखिरी स्लाइड देर लगी रहने दो कि ये मेरी किताब है, शायद ये इसे एडवर्टीजमेंट से आप किताब खरीदने पे सोचने पे मजबूर हो जाए तो चेगा बढ़िया चीज का हिंदी अनुवाद भी आ गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब ने अपनी बात को बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से यहाँ पे रखा और मुझे लगता है कि इलेक्शन को लेके इतनी
ज़हीन बातें और इतनी बारीकियों में हम कभी गए नहीं और कभी हमने इन चीज़ों को जाना नहीं कि कैसे लद्दाख तक भी बूथ बनाया जाता है और कैसे रेगिस्तान में भी लोग चले जाते हैं सब करने के लिए। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि हमारा देश भारत देश जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, उसकी पहचान है, लेकिन बावजूद इसके जो डिस्क्रिमिनेशन वाली जो बात है, भेदभाव वाली जो बात है, वो केवल हमारे ही या नहीं तो विश्व के सभी मुल्कों में आप देखते हैं। और उसे दूर करने के लिए गांधी जैसे या उसके बाद भी बहुत से विचारकों ने, लीडरों ने इस बारे में काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अपने गिरेबा में झांक के देखना होगा कि क्या हम इस भेदभाव को आगे तो नहीं बढ़ा रहे, क्या हम इसको रोकथाम इसकी करने के लिए कुछ कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान ने हमें बहुत कुछ सोचने के लिए प्रेरित किया है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि हमारे वाइस चांसलर आदरणीय डॉक्टर सिद्धार्थ विनायक काणे जी से मैं निवेदन करती हूं कि वे यहां आए और अपने अध्यक्षीय वक्तव्य से सबको संबोधित करें। आदरणीय काणे सर। मौलाना अब्दुल करीम पारेख स्मृति व्याख्यान माला जो हर साल हमारे विद्यापीठ में ऑर्गेनाइज की जाती है, इस साल इस व्याख्यान माला में अभी अभी हमने जो प्रमुख स्पीकर थे डॉक्टर एस वाई कुरैशी जी, इनका भाषण सुना। डॉक्टर कुरैशी साहब इस व्याख्यान माला के आयोजन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री अब्दुल मजीद पारेख, डायस पे बैठे मेरे साथी प्रो कुलगुरु डॉक्टर प्रमोद येवले, कुल सचिव श्री पूरणचंद्र मेश्राम, इस विद्यापीठ में कार्यरत प्राध्यापक अधिकारी कर्मचारी और इस व्याख्यान माला को खास तौर पर उपस्थित रहे सारे मेहमान भाइयों और बहनों, हमने अभी बहुत गहरा सोच और बहुत गहरा विचार एक टॉपिक पे सुना और टाइटल ऑफ द लेक्चर और ये आज के लेक्चर सीरीज का जो टाइटल था वो डिस्क्रिमिनेशन अ लायबिलिटी फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, ये चुना गया। जब ये टॉपिक चुना गया तो अगर गौर से इस शब्द को अगर हम बार बार पढ़े तो चार शब्द ही ऐसे है जो महत्वपूर्ण है और हमें बार बार बोलने भी पड़ते हैं। एक तो डिस्क्रिमिनेशन और बाकी तीन शब्द में से नेशनल इंटीग्रेशन, ये तो हम बार बार सुनते हैं बोलते हैं, लेकिन इसको जोड़ने वाला एक बीच का जो शब्द है लायबिलिटी, इससे ये टॉपिक में एक अलग सी रंगत छा गई। डिस्क्रिमिनेशन ये हमारा विषय है, देश के चिंता का विषय है, ऐसा हम मानते हैं, और नेशनल इंटीग्रेशन हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सो हम नेशनल इंटीग्रेशन लेके चलते हैं और हमेशा हम ये बोलते हैं कि हमारा देश दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत डाइवर्सिटी है लेकिन डाइवर्सिटी के बावजूद भी हमारी यूनिटी है, हम ये बड़े गर्व से कहते हैं। हम ये बड़े गर्व से कहते हैं कि वी आर हैविंग द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और हम ये भी बड़े गर्व से कहना चाहिए कि हमने जो डेमोक्रेसी अडॉप्ट की अब उसको 70 साल हो गए समझ लो करीब, और इन 70 सालों में से एक बार भी हमारी डेमोक्रेसी फेल नहीं हुई, और इसीलिए हमें गर्व इस बात का है कि जब हमने ये डेमोक्रेसी अडॉप्ट की तब हमारे देश की स्थिति क्या थी। हमारे देश में जैसे कुरैशी साहब ने अभी बताया, ज़्यादातर लोग 75-80% लोग अनपढ़ लोग थे, निरक्षर लोग थे, और ये निरक्षर लोगों को क्या ये डेमोक्रेसी हम दे रहे हैं, क्या ये डेमोक्रेसी सक्सेसफुल करेंगे, ऐसा भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो अनपढ़ लोग, मेजॉरिटी ऑफ द अनपढ़ लोग, उन्होंने हमारी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाया है। और जब हमारे देश की
गठन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अवर कंट्री जब हुआ, तब फॉर्मेशन ऑफ कंट्री में हमें ये भी मालूम है कि राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर बहुत ही भिन्नता है। एक एक स्टेट यानी एक एक देश के जैसा है, भाषा अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषा है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग खाने की स्टाइल्स है, तुम्हारे रेसिपीज भी अलग अलग है और तुम्हारे वर्कशिप करने के तरीके भी अलग अलग है, अलग अलग रिलीजन्स है और अलग अलग मोड ऑफ वर्शिप है। इतना सारा डाइवर्सिटी एक ही जगह अगर डंप कर दिया जाए और चलो रहना शुरू कर दो ऐसा अगर बोल दिया जाए तो इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है। तो ये सारा हमारे देश में जब हमने लेके हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद चलाना चालू कर दिया, तब अलग अलग प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए और अलग अलग प्रॉब्लम्स आने के बाद बार 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 यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंसेस, रिजर्वेशन, ये सारे शब्द हमें बड़े परेशान करने वाले शब्द लगते थे। आज भी है लेकिन परेशान करने वाले है कि नहीं है ये पहले अगर हम सोचेंगे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट सामने आएगा जो मैं आपके सामने अभी रखूंगा और मेरा प्रेसिडेंशियल स्पीच दो मिनट में ख़त्म करूंगा। जब ये लेक्चर सीरीज का डेट तय हुआ, हमारे चीफ गेस्ट साहब तय हुए, तब हमारे एक करीबी कलीग, हमारे दोस्त, उनके साथ हमारी चर्चा हुई इसी टाइटल पे, डिस्क्रिमिनेशन लायबिलिटी फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये टाइटल यानी बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है, अब बहुत अच्छी हमें फीस्ट मिलेंगी, इंटेलेक्चुअल फीस्ट मिलेंगी सुनने के लिए, वैसा ही हुआ। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ लेक्चर, ऐसा हमने जो डिस्कस किया। तब उन्होंने मुझे पूछा कि आपके फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, लायबिलिटी ये शब्द क्यों डाला और इसका मतलब क्या है। ये अगर आपको बड़े आसान शब्दों से लेमैन को अगर समझाना है तो आप कैसा समझाओगे। अब हम सब यहाँ हॉल में बैठे हुए लोग हैं, काफी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, दिस इज वेरी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, ये हम जानते हैं। इसीलिए सर जी का जो लेक्चर हुआ, भाषण हुआ, इट वॉज परफेक्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे देश की स्थिति एंड फ्रॉम द आईज ऑफ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्स चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर, इनकी तरफ से हमने ये सब सुना, लेकिन अगर लेमैन को अगर इसे समझाना है तो आप कैसे समझाओगे ये लायबिलिटी शब्द होने के कारण। तो ये मुझे पूछा गया, तो मैंने हमारे कलीग को कहा कि अगर हो सके तो उस दिन ये भाषण सुनने को ऑडियंस में बैठ जाओ और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन। सो आई हैव गॉट वन एग्जाम्पल विथ मी विथ द हेल्प ऑफ विच आई फील दैट नाउ वी शैल हैव टू डिसाइड वेदर इट इज लायबिलिटी और इट इज नॉट लायबिलिटी। समझ लीजिए कि एक फैमिली है जिसमें 15-20 लोग हैं, आजकल वो समझना, इमेजिन करना डिफिकल्ट है, अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 15-20 पर्संस इज अ डिफिकल्ट टास्क। आजकल की फैमिली जो होती है वो हस्बैंड वाइफ, दो छोटे बच्चे, ऐसी कुछ फैमिलीज होती है। लेकिन इमेजिन करिए कुछ साल पहले हमारे यहाँ की कॉमन फीचर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फैमिलीज वॉज लाइक दिस, दैट देर यूज टू बी एटलीस्ट 10-15 persons in the family जिसमें छोटे बच्चे से लेके तो बूढ़े तक सारे उम्र के लोग रहते थे। और इस फैमिली में स्मॉल किड्स, यूथ्स, मिडल एज persons, सीनियर citizens एंड सुपर सीनियर citizens, इन सब लोगों का मिक्सचर है, अ डाइवर्सिटी फ्रॉम व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एज पॉइंट ऑफ व्यू, एज हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी डाइवर्सिटी एक ही छत के नीचे रह रही है। वी आर स्टेइंग इन द सेम कंट्री, अब ये छत नहीं बोलेंगे, वी आर स्टेइंग इन द सेम बाउंड्री ऑफ अवर कंट्री जो हमने 70 साल पहले से डिसाइड की। 70 साल पहले हमारे देश की जो सीमाएं थी वही सीमाएं आज है, वो तो कोई एक्सपांड नहीं हुई,
लेकिन वो सीमा के अंदर रहने वाली जो पॉपुलेशन है करीब करीब द फिगर्स में गो रॉन्ग विथ प्लस माइनस सम परसेंटेज. हम जब स्वतंत्र हुए और हमारी डेमोक्रेसी चालू की, हमारा खुद का प्रशासन शुरू हुआ, समझ लो 33-35 करोड़ पॉपुलेशन थी. आज मोर देन 125 करोड़ पॉपुलेशन है. उसी छत में, उसी सेम स्पेस में, राइट फ्रॉम 33-35 to 125 ये एक्सपांशन हो गया. इन द मीन वाइल देयर वॉज अ ग्रेट प्रोग्रेस. हम लोगों ने रिमार्केबल प्रोग्रेस किया इन एवरी फील्ड. कौन सा फील्ड ऐसा है कि जहां हमारे देश ने कुछ किया नहीं है? इट इज नॉट लाइक दैट. उसके कारण द लॉन्जिविटी का भी एज बढ़ गया. इनिशियली इट वॉज 28, 30, 32. अब द एवरेज लॉन्जिविटी ऑफ द इंडिविजुअल इज अराउंड 62-65 ईयर्स. ज्यादा दिन तक लोग जीते हैं. एंड दैट इज वाई अवर कंट्री इज विटनेसिंग साइमल्टेनियसली 4-5 generations. इकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है ये. घर में दादाजी, बेटा और पोता, पोता थोड़ा सा बड़ा नहीं होता, दादाजी गुजर जाते हैं. अभी ऐसा नहीं होता. दादाजी, बेटा, पोता, पोते की शादी और परपोता भी देखने की इच्छा होती है. सो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज एन एक्सप्लोजन ऑफ द पॉपुलेशन. एंड इन दिस एक्सप्लोजन ऑफ द पॉपुलेशन देयर इज एक्सप्लोजन ऑफ द हेटेरोजिनिटी. इसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए हम लोगों ने. एंड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द वेरिएबिलिटीज इन इनसाइड द सेम बाउंड्रीज, वी आर बिकमिंग लिटिल मोर एंड मोर अनकंफर्टेबल. इसलिए कंट्रोल करो. पहले रिप्रोडक्शन का एज ऑफ द वुमेन वॉज अराउंड 15-16 ईयर्स. नाउ इट हैज गॉन अप टू 19-20 ईयर्स. व्हेन अ वुमेन स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रेन इज 19-20-21. दिस इज द एवरेज एज, दैट पर्टिकुलर रेंज. इनिशियली इट वॉज नॉट लाइक दैट. जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रखते हैं. इट हैज बीन शिफ्टेड टूवर्ड्स हायर लेवल, बट द लॉन्जिविटी इज ऑल्सो शिफ्टेड टूवर्ड्स हायर लेवल, एंड दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. कमिंग बैक टू अवर फैमिली फॉर्मूला, 10-15 लोग इमेजिन करिए. फैमिली में दादाजी है जिनकी कपड़े पहनने की स्टाइल अलग है, एक कॉलेज गोइंग लड़का है जिसकी कपड़े पहनने की स्टाइल अलग है. ही विल वेयर जीन्स एंड टी शर्ट और उसको उसकी रहन सहन की स्टाइल अलग है. दादाजी की स्टाइल अलग है, दादी जी की स्टाइल अलग है. कोई बुआ होगी, कोई चाचा होगा, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक अलग अलग है. दादी जो है, अगर बिलोंगिंग टू टिपिकल इंडियन हिंदू फैमिली, वो हफ्ते में 2-3 बार व्रत रखती है. मुझे उपवास है, शनिवार को उपवास है, सोमवार को उपवास है, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी. शी हैज गॉट हर ओन रिजर्वेशंस. अ यंग बॉय और अ यंग गर्ल हैज गॉट हर ओन रिजर्वेशंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द क्लोथ्स, सिलेक्शन ऑफ द फूड आइटम्स. बेटा बोलता है मुझे, या पोता बोलता है मुझे पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, और दादाजी बोलते हैं मुझे नहीं पसंद, मुझे कुछ अलग ही चाहिए. वी अकोमोडेट दैट. किसी के खाने का टाइम अलग है, किसी के खाने का टाइम अलग है. ये सारी चीजें हम अपने फैमिली में अकोमोडेट करते हैं. डिस्क्रिमिनेशंस, दीज आर ऑल डिस्क्रिमिनेशन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. A young man or a young boy would like to see the cricket match on the television, and a senior citizen, a senior man would like to see the Bhakti Sangeet or Pravachan or news and something. Discrimination, likes and dislikes. Batwara hua jata hai kya usme, give me the reservation for 2 hours, I will see this thing. For another 2 hours, you will see this thing. Mujhe mere ko reservation chahiye. Hum karte kya, aisa nahi karte. But automatically it is adjusted. Special type of food is prepared for those who are keeping vrat. Special type of food is prepared for those who like that particular thing. Special type of clothes are there. Special ways of lifestyles are there in the same family. So, this word liability hardly appears in the family, in the boundary of your home.
द मोमेंट यू पुट योर लेग आउटसाइड द होम, बाहर निकलो घर से, आपके मुंह से डिस्क्रिमिनेशन, आपके मुंह से ये लायबिलिटी, आपके मुंह से नेशनल इंटीग्रेशन, ये सारी बातें बाहर आती है। घर में तो वही है, घर में तो नेशनल इंटीग्रेशन ही है, लेट अस कॉल इट फैमिली इंटीग्रेशन, आवर नेशन इज लाइक अ फैमिली, फैमिली इंटीग्रेशन है। लायबिलिटी है क्या अगर इफ आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, सपोज कैन आई से दैट माई फादर इज अ लायबिलिटी टू मी, माई मदर इज अ लायबिलिटी टू मी, कैन आई से दैट माई ग्रैंड सन और माई ग्रैंड डॉटर इज अ लायबिलिटी टू मी, बिकॉज दैट ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर इज सच अ स्मॉल किड दैट ही कैन नॉट प्रॉपरली वॉक एंड टॉक, ही डजंट नो वेयर टू गो वेयर नॉट टू गो। हम अभी ये विटनेस कर रहे थे कि देर वॉज अ वेरी स्मार्ट एंड स्वीट स्मॉल बॉय हु क्लाइम द स्टेज एंड शायद आप होता विदाउट एनी फियर। कैन एनीबडी मैच्योर्ड इंडिविजुअल कैन कम हियर, यहाँ हाथ लगाओ वहां हाथ लगाओ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन। वी हैव गिवन द फ्रीडम, वी हैव अलाउड द फ्रीडम टू बिहेव लाइक दैट, बट वी कैन नॉट अलाउ दैट टाइप ऑफ फ्रीडम टू एवरीबडी हियर। कोई भी आओ, कोई भी यहाँ पे दो तीन मिनट घूमो और निकलो, ऐसा नहीं करते। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑल्सो। सो दैट इज द रीजन वाई आई शुड से दैट दीज आर द लाइबिलिटीज, बट वी डू नॉट टेक इट दैट सीरियसली। तो अगर हमारे देश में हम सब इकट्ठा इस टाइप से रह रहे हैं, राइट फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, देन हाउ डू वी हैव द राइट टू से दैट वी आर हैविंग सम लाइबिलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? इट इज नॉट एट ऑल अ लाइबिलिटी। ये हम है, चलो लेके साथ चलो। कोई बूढ़ा आदमी है, नहीं अच्छा चल सकता है, दे दो उसको थोड़ा सपोर्ट, दे दो उसको वॉकिंग स्टिक, हाथ पकड़ो कंधे से और उसको क्लाइंब डाउन करने को मदद करो। करते कि नहीं करते हम लोग? सो इफ देर इज सम कम्युनिटी विच इज नॉट वेल डेवलप्ड, इफ देर इज सम सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन विच इज नॉट वेल डेवलप्ड, विच इज नॉट हैविंग दैट टाइप ऑफ प्रोफिशिएंसी इन द फील्ड्स, लेट अस गिव देम सपोर्ट। इफ इट इज सो, देन आई थिंक द इश्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड लाइबिलिटी फॉर नेशनल इंटीग्रेशन ये आएगा ही नहीं। सो दैट इज वाई इट इज अवर एटीट्यूड। अगर हम समझे कि इट इज माई लाइबिलिटी, आजकल होता है नई ब्याई बिहाई बहू जो होती है उसको अपनी सास शायद लाइबिलिटी लगती है, कुछ ही दिनों में कुछ फ्रिक्शंस आते हैं एंड दिस से दैट यू गो अवे एंड यू हैव योर ओन हाउस, योर ओन फ्लैट एंड यू स्टे देयर, वी स्टे देयर, सीनियर सिटीजन स्टे इन द डिफरेंट फ्लैट एंड द यंग बॉय यंग कपल स्टे इन अ डिफरेंट फ्लैट। कैन इज इट पॉसिबल फॉर अस? पंजाब अलग हो जाओ, गुजरात अलग हो जाओ, नहीं जमता है, फ्रिक्शन होते हैं। वी कैनॉट डू दैट। इफ इट इज डन, नो नेशनल इंटीग्रेशन। लेकिन ये फैमिलीज में हो रहा है आजकल, because they feel that it is a liability, feel that living with the upper generation becomes a liability, living with the lower generation is not a liability. फिर भी हम बोलते हैं कि माई आई एम फ्री ऑफ माई लाइबिलिटी, मेरे बेटे की शादी हो गई, मेरी बेटी की शादी हो गई, बोथ आर दे आर सेटल, कुछ नहीं है, आई हैव नो लाइबिलिटी एट ऑल, एम आई हैप्पी? मैं हैप्पी नहीं था पहले, जब आई वॉज हैविंग स्मॉल चिल्ड्रेन गोइंग टू द स्कूल, मैं हैप्पी नहीं था, लाइबिलिटी थी। ऐसा नहीं है, वी हैव टू एंजॉय एवरी कॉम्बिनेशन एट वेरियस डिफरेंट टाइम पॉइंट्स। सो दैट इज द रीजन व्हाई एज अ स्पीकर इन द कैपेसिटी ऑफ गिविंग यू अ प्रेसिडेंशियल एड्रेस फॉर दिस फंक्शन, माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट इट इज अवर ओन एटीट्यूड टू थिंक वेदर to maintain the national integration with the existence of discrimination is not a liability. If it is liability, it is our own mental status. हमने समझना चाहिए कि यह liability नहीं है, यह हमारी duty है। हमने समझना चाहिए कि this is our family. So that is the proper meaning of discrimination, a liability फॉर नेशनल इंटीग्रेशन क्वेश्चन मार्क है या नहीं है, ये अपने अपने सोचने का ढंग है। अगर आप सोचते हैं कि लाइबिलिटी है तो फिर पूरा का पूरा पिक्चर बदल जाता। अगर आप सोचते हैं कि ये लाइबिलिटी नहीं है, इट्स माई प्लेजर टू लिव विद सच अ फैमिली वेयर एवरीबडी इज देयर
right from the lowest age group to the highest age group. So it's my pleasure. I am very fortunate. So we have to think that our country, as the citizens of India, we should be proud that we are fortunate to live in such a discriminating combination of the population, so that we can enjoy it. So with these views, friends, I once again express my thankfulness to Sri Quraishi ji for coming specially to deliver his learned lecture and giving us the complete benefit of his experience and his thoughts in this particular lecture series. And thanking you once again all, I take leave of you. Thank you. धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सुंदर और सहज ढंग से शायद विषय को यहाँ पे खोल के रख दिया, और यहाँ बैठे हुए जो लोग उसे लायबिलिटी समझते हैं या डिस्क्रिमिनेशन को जो लोग एक बहुत बड़ा अपना जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि एक नया नजरिया, एक नया दृष्टिकोण उन्होंने हमारे सामने रखा, और सर इसी बात के लिए जाने जाते हैं हमारे बीच कि वे अपनी बात को बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अध्यक्ष भाषण में अपनी बातें रखी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में आभार ज्ञापित करने के लिए मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव आदरणीय श्री पूरण चंद्र मेश्राम जी को यहाँ बुलाना चाहूंगी। आदरणीय मेश्राम जी, सबसे पहले मौलाना अब्दुल करीम पारेख जी को, उनके स्मृति को मैं अभिवादन करना चाहूंगा। डिस्क्रिमिनेशन ये हमारे देश के लिए एक चिंतन का विषय है। मैं ऐसा समझता हूं ये केवल चिंतन का विषय नहीं है, ये हमारे लिए चिंता का भी विषय है। आदरणीय वक्ताओं ने यहां पर जो विचार व्यक्त किए, और जो सबसे पहले हमारा विद्यापीठ गीत जो तुकड़ोजी महाराज का गीत है, वो गीत को किसी ने सुना होगा तो ये विद्यापीठ गीत ही ये हमारे भारत के संविधान का प्रियम्बल है। उसकी जो शुरुआत है कि इस भारतात बंधुभाव नित्य वसुदे मतभेद नसुदे असा वरची असा दे, इसका मतलब है कि इस भारत में मैं ऐसे भारत का निर्माण चाहता हूं कि जहां भाईचारा हमेशा बसना चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव या नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यवस्था का निर्माण करने का मैं भगवान से वर मांगता हूं, ये तुकड़ोजी महाराज ने इस गीत में कहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि आज जो हमारे प्रमुख वक्ता कुरैशी जो है, इन्होंने जो विचार रखे हैं, जो आराधना तुकड़ोजी महाराज ने अपने गीत में की है, वही आराधना उन्होंने अपने शब्द में व्यक्त की है, और वो आपके दिलो दिमाग तक पहुंची। मुझे लगता है यही इस व्याख्यान की सबसे बड़ी सफलता है, ऐसा मैं समझता हूं। दूसरे, इस व्याख्यान माला की खासियत है कि जिस राष्ट्रीय एकात्मता की सर हम बात कर रहे हैं, आज इस स्टेज पर ये राष्ट्रीय एकात्मता का ये प्रतीक है कि पूरण मेश्राम जैसा बुद्धिस्ट भी बैठा हुआ है, हमारे वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर हिंदू भी बैठा हुआ है, कुरैशी जी बैठे हैं, पारेख जी बैठे हैं, मुस्लिम है, और एक महिला भी बैठी है। इससे ज्यादा राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक दूसरा क्या हो सकता है। और ये सोच जो स्टेज पर है, वही सोच सामने भी दिखे और दुनिया में भी दिखे, यही पारेख जी चाहते थे। मैं इस विश्वविद्यालय में 34 साल से सर्विस कर रहा हूं, कई बार इस दीक्षांत सभागृह में मैंने पारेख जी को सुना हूं। इसी विश्वविद्यालय ने पारेख जी को जीवन साधना पुरस्कार दिया था, और उस पुरस्कार में मैं उपस्थित था। 45 मिनट उनका भाषण हुआ था। उस 45 मिनट के भाषण ने एक जीवन को बदल देने की बात कही, और उसके सोच जिस तरह से उन्होंने भाषण कहा, उसमें मेरे जीवन में एक आमूलाग्र ऐसा परिवर्तन उसके मार्गदर्शन से हुआ। इसलिए सर, उनकी सोच और हमारे सोच में बहुत अंतर है। जब मैंने उनको सुना, हम कैशलेस सोसाइटी की बात करते हैं,
वो कास्टलेस सोसाइटी की बात करते थे, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं सोचते हैं वो सेकुलर इंडिया की बात सोचते थे, हम करप्शनलेस सोसाइटी की बात करते हैं और वो कैरेक्टरफुल सोसाइटी की बात सोचते थे। तो सोच में फर्क है, और लेकिन वही सोच अब्दुल करीम पारेख जी की कि आज यहां पर अलग धर्म और पंथों के लोग, अलग अलग जाति के लोग उनके व्याख्यान माला को सुनने आते हैं और किसी भी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, और शांत सभागृह जो फूला फला रहता है, यही ये उनके व्याख्यान माला की सबसे बड़ी ऊंचाइयां हैं, ऐसा मैं यहां पर समझता हूं। सर, आज यहां पर डिस्क्रिमिनेशन इस शब्द को बोलने के लिए और उसको व्याख्यान देने के लिए भी लोग डरते हैं। ऐसे हालात में इस देश के माजी मुख्य निर्वाचन आयुक्त जब इन्होंने इस विषय पे बोलने के लिए उन्होंने अपना समर्थन दिया और यहां पर आके उस विषय पे उन्होंने जो खोला, मैं ऐसा समझता हूं कि ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, और नागपुर विश्वविद्यालय की तरफ से मैं उनका दिल के गहराई से शुक्र अदा करता हूं। यहां पर हमारे विश्वविद्यालय के ऑनरेबल वाइस चांसलर सिद्धार्थ विनायक काणे जी, उन्होंने जो लाइबिलिटी की बात यहां पर जो यहां पर संकल्पना आपके सामने रखी, मुझे लगता कि उनकी भी अपने सबके लिए एक नई सोच है। उन्होंने यहां पर जो समयोचित अध्यक्षीय भाषण किया उसका भी मैं यहां तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे प्रमुख अतिथि इस विश्वविद्यालय के प्रमुख डॉक्टर प्रमोद येवले जी यहां पर उपस्थित है, उनका भी मैं यहां शुक्रिया अदा करता हूं। और इस व्याख्यानमाला का आयोजन जिनके दातृत्व से यहां हो रहा है वो मौलाना पारेख जी के सुपुत्र श्री अब्दुल मजीद पारेख जी, इनका भी मैं यहां पर शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरे जिसका उल्लेख कुरैशी जी ने अपने भाषण में किया था कि ये महिला ही पूरे विश्व का संचालन कर रही है, तो हमने भी सोचा इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए भी महिला को ही बुलाया जाए। और हमारे हिंदी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर वीना दाड़े मैडम, इन्होंने बहुत ही अच्छा संचालन इस कार्यक्रम का किया, उनका भी मैं यहां पर शुक्रिया अदा करता हूं। और आप एक बड़ी तादाद में यहां उपस्थित हुए, आपका सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने आभार विराम को यहां विराम देता हूं। धन्यवाद। कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आप सब लोगों से आग्रह है कि राष्ट्रगीत के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सबसे निवेदन है कि आप इसी सभागार के पोर्च में चाय का आस्वाद जरूर लें और तभी घर जाएं। धन्यवाद।